దీరా <im> రా आज का यह सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो आज का यह सुंदर मंगल प्रभात यह भी तो हो सकता है इस पृथ्वी पर इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में युद्ध कला द्वंद युद्ध कला का धर्म के साथ का संबंध आध्यात्म के साथ का संबंध इस विषय पर आगे बताऊंगा जो द्वंद युद्ध कला मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं उसका स्वरूप जो दे रहा हूं उसके मैंने छह स्टेप्स वर्णन किए आगे का जो सातवां स्टेप है वो है गिरना गिराना ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका शरीर एकदम फ्लेक्सिबल होता है अगर आप ठीक से देखोगे तो जो जब बच्चा जन्म लेते एकदम फ्लेक्सिबल शरीर होता है जब हमारा प्रारंभ होता है जीवन का शरीर में तब जो शरीर होता है एकदम फ्लेक्सिबल होता है लेकिन धीरे धीरे हमारा जो दुर्लक्ष हो जाता है शरीर के प्रति शरीर को हम ध्यान में लेते ही नहीं या हम भूल जाते हैं इस तरह की हमारी जीवन की यात्रा हो जाती है। कि हम रथ को भूल ही जाते पूरा भूल जाते हम बाहर के जगत में इतना उलझ जाते हैं कि जिस रथ में हम यात्रा कर रहे हैं हमारा जो आत्मा प्रगट हो रहा है आत्मा की शक्ति प्रगट होने का जो स्थान है वो हम भूल ही जाते जो महत्वपूर्ण स्थान है और किस लिए इसका महत्व है ये महत्व इसलिए है कि जो सारी शक्ति है आत्मिक शक्ति उसका जो स्वरूप है बैरगामी स्वरूप ले रही है वो शक्ति बैरगामी स्वरूप ले रही है तो वो जो स्वयं स्वरूप है वो शरीर है और उसको हम भूल जाते हैं बच्चा जब चलना सीखता है प्रारंभ में तो आप देखोगे हम सब उसमें से निकले लेकिन हम अपना शायद याद न कर सके भूल गए जब तुम कोई छोटा बच्चा चलना सीख रहा हो आप देखना कितनी बार गिरता है कितनी बार उसका शरीर गिरता है फिर खड़ा होता है फिर गिरता है खड़ा होता है और जब छोटा शरीर होता है उसमें जो फाइबर होते हैं स्नायु होते हैं स्नायु के भी सुख पूरा एक स्नायु है वो अनेक सूक्ष्म स्नायु से बना हुआ है और पूरा हमारा शरीर ऐसे छोटे 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 रबर के टुकड़ों जैसे फाइबर से पूरा शरीर बना हुआ है और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो समय के साथ हम खोते जा रहे हैं हम शरीर को बचाते जा रहे हैं शरीर बचाने की चीज नहीं है जो शरीर है वो उपयोग करने की चीज है और पूरा 100 परसेंट उसका उपयोग करना है शरीर का शरीर का कोना कोना शरीर का एक एक मसल्स जितने भी मसल्स है उसका उपयोग होना चाहिए बिना उपयोग का कुछ भी पड़ा रहेगा भीतर तो जो भीतर शक्ति बहती है चेता तंत्र से शक्ति बहती है रुद्राभिश्रण तंत्र से शक्ति बहती है श्वसन तंत्र की शक्ति है वो जो बहती है वो ब्लॉक हो जाती है कुछ एक भी कोना अगर बिना उपयोग का एक भी हिस्सा अगर बिना उपयोग का रहा तो तुम्हारा शरीर का जो वो हिस्सा है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ पैदा करेगा <clears throat> तो प्रतिदिन शरीर को फ्रेश करने की कला सीखनी है पूरा का पूरा शरीर प्रज्वलित करने की कला सीखनी है जब तुम सत्य लो ध्यान में जीवन का सत्य जब तुम समझने का प्रारंभ करो तो जो पहला आयाम है वो है शरीर कि शरीर जो रथ है जिसमें आत्मा का प्रागट्य है वो शरीर पूरी तरह से उसका उपयोग होना चाहिए जब तुम बच्चे को देखोगे तुम उसका शरीर सप्रमाण देखोगे एकदम सप्रमाण होता है पूरा शरीर <coughs> जो प्राकृतिक शरीर है वो हो सप्रमाण होता है उसका पूरा का पूरा जो हिस्सा है सुसंवादितता लगेगी अगर बच्चे का शरीर तुम देखोगे तो एक सुसंवादितता पूरा शरीर इस तरह से और प्राकृतिक बच्चे ने कुछ भी उस पर थोपा थो नहीं कि मेरे मसल्स ऐसे होने चाहिए ऐसे होने चाहिए पैर का मसल्स इतना होना चाहिए पेट ऐसा होना चाहिए जो भी है जैसा भी है <coughs> लेकिन धीरे धीरे गड़बड़ क्या हो जाती है मन आ जाता है अपेक्षा आ जाती है औरों की धारणा हमारे पर काम करती है हमारी धारणा हमारे पर काम करती है। तो हम हमारा शरीर दिन प्रतिदिन विकृत होता जाता है विकृत पेट जितना चाहिए उससे बड़ा हो जाता है थाई जिससे चाहिए उससे बड़ी हो जाती है। <clears throat> हाथ के मसल्स जितने चाहिए उससे या तो बड़े हो जाते हैं कमजोर हो जाते हैं और जैसे जैसे हमारा जीवन पसार जैसे जैसे हम जीवन जीते जाते शरीर कमजोर होता जाता है इसलिए कि हम शरीर का उपयोग करते ही नहीं ठीक से मैं जो द्वंद्व युद्ध की प्रक्रियाएं तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं इसलिए कि तुम्हारा ध्यान जाएगी इतना शरीर है तुम्हारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके इतने हिस्से हैं देखे अनदेखे ऐसे हिस्से हैं पूरा शरीर इस तरह से काम करता है क्योंकि शरीर का एक भी हिस्सा बिना उपयोग का नहीं रहना चाहिए आगे की जो प्रक्रिया है द्वंद युद्ध की वो है गिरना गिराना हम जब छोटे हैं तो, तो गिरते ही है और गिरना कोई दुर्घटना को नहीं है अगर ठीक से समझा जाए तो बच्चा जब छोटा होता है कितनी बार गिरता है कितनी बार और जब गिरता है तो उसके जो मसल्स है संभालने वाले पूरे शरीर को संभालने वाले मसल्स है और हमारे भीतर एक बैलेंस है वो बैलेंस अपने आप जागरूक होता है जैसे जब तुम गिरते हो तो वो बैलेंस अपने आप शरीर को संभालने का एक बैलेंस है प्रतिपल काम करता है प्रतिपल हमें पता हो न पता हो फिर भी जो शरीर को संतुलित करने की एक प्रक्रिया है भीतर एक मैकेनिज्म है वो प्रतिपल काम करता रहता है प्रतिपल संभालता है जब तुम गिरते हो या जब गिरने की घटना आ जाती है कि अब शरीर गिर जाएगा तो वो बैलेंस जागृत हो जाता है हमारे भीतर ऐसे अनेक प्रकार के मैकेनिज्म है लेकिन हम हम उससे परिचित नहीं इसके कारण हमारे भीतर का जो ये मैकेनिज्म है उसका कोई उपयोग ही नहीं होता वो अनयूज रहता है उसका उपयोग ही नहीं होता और धीरे 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 वो बंद हो जाता है उस मैकेनिज्म का कोई क्योंकि मैकेनिज्म को जागृत करने के लिए ऐसी प्रक्रियाएं चाहिए कि जिसमें वो जागृत हो अगर उस पर ध्यान देना हम बंद कर दे वो मैकेनिज्म का कोई काम ही ना रहे तो फिर धीरे 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 उस पर रेत जम जाती है धूल जम जाती है और पूरा मैकेनिज्म बंद हो जाता है मैं देखता था जब जब मैं लोगों के साथ रहा यही देखता था और यही देखता आया कि इतना बच्चे को संभाल रहे हैं लोग ना उसे खेलने दे अरे क्रिकेट खेलने जा रहा है तो तू पड़ गिर जाएगा तेरी ये होगा तेरी हड्डी टूट जाएगी बच्चों को इतना छोटा बच्चा है तब से तुम डर डाले जाते हो तुम्हारा भय अगर मैं तुम्हें कोई भय दे रहा हूं तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैं भयभीत हूं पहले मुझे बाहर निकलना है मेरे भय से अगर मैं तुम्हें कोई भय वाली मैं तुम्हारे भीतर कोई भय पैदा कर रहा हूं तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि इस भय से मैं पार नहीं हुआ हूं और यह भय मैं तुम्हारे ऊपर थोप रहा हूं और बच्चों को अगर तुम एक बार भयभीत कर दोगे वो भय अनेक तरह से जीवन में आएगा अनेक तरह से तुम खाली भय डाल रहे हो इंसर्ट कर रहे हो उसके माइंड में मगज में वो भय अनेक रूप लेगा अब छोटा बच्चा नहीं खेलेगा तो उसका शरीर बनेगा कैसे वो घिरेगा नहीं हड्डी भी टूट सकती है मैं मेरा बचपन कहूं एक दिन ऐसा नहीं था एक दिन ऐसा कि मेरे पैर में चोट ना हो हुई हो और जो गांव में बच्चे बड़े होते हैं उसके लिए तो बिल्कुल सामान्य है बिल्कुल सामान्य हड्डी कहीं से कहीं मांस उखड़ा ही है उसमें से लो बह रहा है घर पे डांट भी पड़ती थी कि तुम लोग करते क्या हो पढ़ने जाते हो या क्या करने जाते हो लेकिन उस वक्त का जो समय था उसमें तो ये सामान्य ही था मैं तुम्हें अगर मेरा दिन कहूं तो इसमें इतनी प्रक्रिया सामान्य थी जैसे हम स्कूल में पहुंचे जो पहली प्रक्रिया थी वो थी कबड्डी खेलना और कबड्डी में कुश्ती आई जाती है फिर भी अलग अलग भी कुश्ती करते थे अलग अलग भी कि चलो किस में कितना दम है कौन किसको गिरा सकता है धीरे धीरे मजा भी आने लगा पहले पहले जब मैं शहर से गया गांव में तो मैं भी थोड़ा डरा डरा था पहले थोड़े दिन भीतर से मजा आता था तो वाह कैसा ये पछाड़ता है एक एक लड़का दूसरे को कैसा पछाड़ कबड्डी में भी मैं देखू और इतनी देसी कबड्डी मैंने कभी कहा देखी नहीं गांव में होती है ऐसी गांव में खेल, खेलते हैं कि एक बच्चा गिरे उस पर सब बैठ जाते हैं सब वो जब बाहर आए उसे लगता है जैसे कब्र में से जीवन मिला हो अपने को ऐसा लगे क्योंकि पे, पीठ पर बैठ गया सांस ठीक से अंदर कि गया जी गया पहले तो झगड़ने का भी वो नहीं रहता दम क्योंकि सात आठ बच्चे बैठे हैं तो झगड़े भी कब कि पूरा सांस तो ले फिर एनर्जी आती है झगड़ने की फिर मुखा भी मार देते फिर और झगड़ा हो सकता है लेकिन बाद में तो इतनी प्रक्रिया मैं मेरे जीवन की बात कहता हूं इतनी प्रक्रिया रोज की सामान्य कि कबड्डी और कबड्डी में गिरना बिल्कुल सामान्य आप देसी खेल लो उसमें गिरना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं सब गिरते रहते हैं उसमें तो एक कबड्डी वो रोज का खेल कुश्ती एक दूसरे को फेंकना रोज का खेल एक दूसरे को फेंकना फिर मैं रोज जंप की प्रैक्टिस करता था किस तरह से एथलेटिक्स का पार्ट है लेकिन मुझे उसमें बहुत रस था एक है लॉन्ग जंप जिसे लंबा कूदना है दौड़ के आना है फिर लंबा जंप मारना है कूदना है एक है हाई जंप ऊंचा का मारना है ऊपर से गिरना है एक है पोल जंप तो हम रोज गिरते थे नौ, नौ से ग्यारह फीट की ऊंचाई से रोज शरीर नीचे गिरता था रोज किसी ना किसी पोल कूद जाए तो भी गिरते थे ना कूद सके तो भी गिरते थे और हम तो इतना क्योंकि वैज्ञानिक रूप से हम नहीं गिरते थे पता भी नहीं था कि पोल जंप ऐसे नहीं किया जाता हम तो एक पोल जंप करते थे तो पूरा शरीर खलास मैं जब शहर में आया जब मैं बड़ी बड़ी अच्छी स्कूल शहर की होती है उसमें जब मैंने पोल जंप देखा उस वक्त मुझे पता चला कि पोल जंप ऐसे किया जाता है हम लोग तो पोल जंप संपूर्ण देसी ऐसे ग्राउंड हम कैसा पोल जंप करते थे कि हाई जंप लॉन्ग जंप का खड्डा होता है हम ऊपर से गिरते थे तो जो खड्डा होता है उसके बाहर निकल जाते थे तो बाहर की जो हार्ड जमीन है उस पर शरीर पड़ता था पूरा का पूरा शरीर थोड़ी देर के बाद पता चलता था कि नाना अभी है शरीर है तो ये रोज की सामान्य प्रक्रिया दौड़ में भी समझो कि रनिंग है जब फास्ट दौड़ते और गांव के रस्ते उसमें ये भी नहीं देखते थे कि सामने से अगर कोई आ जाएगा तो बस दौड़ते जा रहे अगर किसी को टकरा जाए तो वो भी एक थप्पड़ मार दे कि तुझे चलना आता है कि नहीं बीच में गाय आ जाए गाय के साथ टकरा जाए ऐसा गिर जाए ऐसी तो बहुत घटना हो जाती लेकिन गिरना सामान्य था मैं कहना इतना चाहता सामान्य धीरे धीरे जो गिरने की प्रक्रिया थी उसमें मुझे उसका विज्ञान भी आ, समझ में आने लगा कि कैसा होता है कि जब तुम गिरते हो गिरते हो एक क्षण के लिए होता है लेकिन होता है ऐसा धक्का आता है से ऐसा शोक आता है से कि एक क्षण के लिए निर्विचार होता है हो जाता है माइंड अगर आध्यात्मिक रूप से देखें इस प्रक्रिया को तीन तल से अगर हम देखें कि शरीर की प्रक्रिया तो गिरता है शरीर गिरता है और जैसे शरीर गिरता है एक हमारे भीतर ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है बैलेंस करने का ऑटोमेटिक हमें पता भी नहीं चलता कि वो बैलेंस किस तरह से कर रहा है वो अपने आप कर रहा है उसे कहने की जरूरत नहीं है कि तुम बैलेंस करो वो बैलेंस करता है और ये सारे खेल थे उसका विज्ञान ये था कि जो शरीर के मैकेनिज्म है उसको किस तरह से जागरूक रखा जाए तो मैं जो गिरने का अभ्यास करता था कि गिरने में होता क्या है? तो गिरने में मैं देखता था कि जब शरीर गिरता है तो एक क्षण के लिए भीतर संपूर्ण शून्य अवकाश छा जाता है एक क्षण के लिए लेकिन वो इस तरह का शून्य अवकाश होता है कि एक क्षण के लिए शून्य अवकाश हो जाता है लेकिन फिर उसके बाद ऐसा होता है कि चारों दिशा से मन सजाग होता है मन तो चारों दिशाओं से धाराएं आती है विचार की चारों दिशा से उसका इतना अर्थ है कि जो मन के दो स्वरूप है अर्ध जागृत और सुसुप्त मन की धारा है वितर जागृत मन का अर्थ है कि जो हम बाहर के जिस जगत में अभी हम जी रहे हैं उसके साथ संपर्क करने का एक मन है जैसे मैं तुम्हारे पास आता हूं तो मुझे जो आने के लिए जो कुछ भी करना पड़ता है कि स्नान करना पड़ता है इसका जो एक माइंड होता है तो वो माइंड को कहा जाता है जागृत मन कि जो वर्तमान जीवन में हम जी रहे हैं उसको उसकी प्रक्रियाओं को संभालने के लिए भीतर के विचार की प्रक्रिया है उसको कहा जाता है जागृत मन एक है सुसुप्त मन जो हमारे भीतर 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 एक मन है अपने आप चलता है चलाने भी नहीं जाना पड़ता लेकिन अपने आप चलता है पुराने संस्कार पुराने बनाव व्यक्तियों के साथ अनेक घटनाओं से जो हम गुजरे हैं, उसके साथ का जो एक मन है उसके साथ जुड़े हुए भाव है ये सारा हमारे भीतर एक सुसूप शक्ति से शक्ति में पड़ा है और एक है उसको दोनों को जोड़ने वाला मन है जागृत मन और अर्ध जागृत मन को जोड़ने वाला मन है जागृत मन और सुसुप्त मन को जोड़ने वाला जिसे कहा जाता है अर्ध जागृत मन आधा जागृत है आधा सुसुप्त है ऐसा मन तो जब गिरने की घटना होती है एक क्षण के लिए शून्य अवकाश हो जाता है उस केंद्र पर बैलेंस का जो केंद्र है शून्य अवकाश छा जाता है <clears throat> वो ऐसा क्षण है कि तुम चाहो तो भीतर का एक अवकाश है अंतर अवकाश उसका दर्शन कर सकते हो और उसके बाद अगर मन का संपर्क हुआ तो मन चारों दिशाओं से विचारों की अनेक धारा आती है अनेक धारा और जब तुम गिर गिरने की ये जो प्रक्रिया मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उसमें उसका अभ्यास करते जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि किस तरह का विचार या किस तरह के सुसुप्त भावों के साथ सुसुप्त मन का जो मन की जो धारा है जिससे हम अपरिचित है वो गिरने में जागृत हो जाती है जब शरीर गिरता है और जब ये तो ये प्रक्रिया तो ऐसी है कि सुनिश्चित है कि तुम्हें यहां गिरना है तुम्हें पता है कि हाँ इस तरह से मुझे ये गिराएगा क्योंकि पहले तो अभ्यास है लेकिन जब तुम अचानक गिरते हो अचानक तो सबसे पहला जो मन का भय है सबसे पहला जो हमारा सबसे ज्यादा अटैचमेंट है हमारे साथ उस अटैचमेंट के साथ कारण तो हम जी रहे और उसका एक भय है प्रतिपल हमारे भीतर एक भय है कि कहीं मैं मर जाऊंगा तो यह भय प्रतिपल है हमारे भीतर तुम्हें पता चले ना चले लेकिन यह भय भीतर होता ही है और ऑटोमेटिक मैकेनिज्म काम करता है ऐसी जब परिस्थिति आ जाती है समझ लो कि तुम सोए हुए हो एक सांप तुम्हारे पास आ रहा है तुम्हें पता नहीं है कि सांप आ रहा है तुम सोए हुए हो लेकिन भीतर अपने आप सजागता आ जाती है अपने आप कि अगर तुम्हारे ऐसा समझो कि तुम सोए हुए हो और कोई तुमने मारने आ रहा है कोई तुम्हारा मर्डर करने के लिए आ रहा है जो ये परिस्थितियों में से निकले उसे पता है कि जब वो ऐसी स्थिति आ जाती है कि तुम तुम मरने ही वाले हो अब मरने ही वाले हो अचानक जो भीतर का ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है उसके कारण हम जी रहे हैं खाली ऊपर के मन से हम नहीं जी रहे भीतर एक हमें संभालने वाली शक्ति है सुसुप्त शक्ति है वो जागृत हो जाती है अपने आप जागृत हो जाती है जब ऐसी ऐसी तरंगे आती है बाहर से हमें पता भी नहीं ऐसी तरंगे छूती है हमें कि अब हमारा या प्राण जा सकता है तो अपने आप जागृत हो जाता है और वो संभालने को प्रयत्न करता है प्राण को संभालने को प्रयत्न करता है कि कहीं प्राण निकल न जाए मेरा जीवन चला न जाए और ये अटैचमेंट रहता है ये भीतर रहता है जैसे जैसे हम जानते जाते हैं और वो अटैचमेंट जो है उसको जैसे तुम विचार की प्रक्रियाओं को देखते जाओगे देखते जाओगे देखते जाओगे उससे अंतर बनना शुरू हो जाएगा कि विचार अलग तुम अलग जो भाव दशा है भीतर की टाइप ऑफ मूड तुम देखते जाओगे देखते जाओगे देखते जाओगे तुम्हारा अंतर बनता जाएगा शरीर की संवेदना है भीतर के शरीर की संवेदना ठीक से तुम परिचित होते जाओगे दर्शन करते 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 तुम्हारा अंतर बढ़ने लगेगा तुम्हें पता चल चलता जाएगा कि किस तरह का अटैचमेंट है हमारा हमारे साथ हमारी धारणाओं के साथ सूक्ष्म अटैचमेंट है जो हर जगह काम करता है हर जगह पूरे दिन काम कर रहा है हमें पता हो न पता हो और जब ये प्रक्रिया जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं युद्ध की प्रक्रिया की जिसपे गिराना है जो मार्शल आर्ट है पूरी जो आध्यात्मिक आध्यात्मिक कला के रूप में अगर मार्शल आर्ट को देखी जाए कराटे है जूडू है कुंगफू है या भारत की जो पुरानी कलाएं हैं जैसे कि कुश्ती है द्वंद्व युद्ध है गोटू है ऐसी जो भी कलाएं हैं उसकी अगर आप ट्रेनिंग लेने जाओ उसको ट्रेनिंग तो पहले तो अलग अलग एक्सरसाइज से आपका पूरा शरीर मजबूत करते जगाते प्रज्वलित करते पूरा का पूरा जो शरीर है वो लचीला होना चाहिए मेरा संदेश ये है फ्लेक्सिबल होना चाहिए इस पर तुम्हें ध्यान देना है फ्लेक्सिबिलिटी पर ध्यान देता है देना है मैं जब अलग अलग कुटुंब में रहता था छोटे छोटे बच्चे अब मां को पता नहीं मां क्या करती है वो बच्चे का जो जीवन है जो शरीर है उसके विरुद्ध में काम कर वो उसे क्या शरीर को झाडा करने में मोटा करने में क्या रस है कि तुम शरीर नष्ट कर रहे हो छोटे बच्चे को खिलाते ही जा रहे तू तू छोटे बच्चों की बात छोड़ो जब ये ये मेरे पास आते थे ये लोग जब मैं आने देता था उसे रिंझाई और रिंजा मैं देखूं एक्सरसाइज करे ही नहीं मैं उसे बुलाऊं वो कोई ना कोई बहाना मुझे कर दे एसिडिटी हो रही है पेट हो रहे और सारे के सारे उसकी दया खाए मैं समझ गया कि वो ही बच रहा है उसे रस नहीं एक्सरसाइज में उसका पेट खराब है वो ठीक से क्योंकि पढ़ाता है पूरे दिन पढ़ाता है बैठना बोलना गला सुख जा राम का था जिस तरह से मुरारी बापू का गला देखना आप, बैठ गया होगा आठ कलाक राम कथा बैठ जाता है गला रामदून गानी बैठ जाता है रिंजाई का गला असल मोरारी बापू बैठ गया फिर भी वो बोल 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 करता ही जाता है और पेट एकदम खराब उसको पचता नहीं और उसे ड्राई फ्रूट खिला रहे वो जब घर उसको पचता नहीं सामान्य खाना में दूधी रोटी दूं तो वो नफरत करता है एप्पल नफरत करता है अब उसे तुम ड्राई फ्रूट खिला रहे हो तुम गलत कर रहे हो तो वो ड्राई फ्रूट विष होगा पेट में वो कोई तुम्हें शक्ति नहीं मिल सकती तुम कितना ही ड्राई फ्रूट खा जाओ देखनी है शरीर की एब्जोर्न कैपेसिटी कि शरीर एब्जॉर्ब कितना करता है तुम्हारे भीतर जो शरीर कैसे पता चलता है कि वायु निकले न निकले पेट कहां से निकले वायु ऐसा वायु हो गया भीतर पचा नहीं खोरा अगर तुम हिले डूले रहे हो खोरा खाने के बाद पेट, आ ऊ ऐसा हो रहा है फू की आवाज ऐसे ही निकल रही तुम्हारे भीतर शक्ति एब्जॉर्ब नहीं हो रही विश हो जाएगी तुम्हारे भीतर एसिडिटी बढ़ जाएगी एसिड नहीं एब्जॉर्ब होगा भीतर पचाने का एसिड होता है वो ठीक से नहीं पचा जाए अब ऐसे में ये तो इतने बड़े हो गए फिर भी इतने अनजान है ये लोग कि इस तरह से ड्राई फ्रूट नहीं खिलाया जा सकता ड्राई फ्रूट इस तरह से नहीं दिया जाता और ड्राई फ्रूट में लोगों को देख रहा हूं कि ड्राई फ्रूट खा रहे और बिना बिना कुछ किए खा रहे ऐसे कि जैसे शरीर में तुम शक्ति संचित करते करते करोगे क्या मैं तुम्हें यह पूछता हूं कि इतना इतना बड़ा पेट और बढ़ता ही जाता है पेट ऐसा नहीं कि चलो अब पृथ्वी के घोड़े से तो कम से कम तुम्हारा पेट कम चाहिए हम जिस पृथ्वी पर जी रहे उसकी भी थोड़ी दया करो तुम कि उतना वजन मत करो कि पृथ्वी पर तुम भार रूप हो जाओ लेकिन बढ़ता ही जा रहा है बढ़ तुम खाते ही जा रहे और लड़के को झाडा करने में क्या रस है पता ही नहीं क्योंकि मैं देखता था मेरी मां ने कभी यह प्रयत्न नहीं किया कभी कि तुम कभी कभी मैं बहुत कम लेता था तो वो थोड़ा चिंतित हो जाती थी लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे मुंह में खिलाती ही जाए खिलाती ही जाए और ना ही कभी उसने कमेंट की मेरे शरीर के बारे में कभी नहीं क्योंकि मैं जब छोटा था मेरा शरीर एकदम एक्टिव एकदम एक्टिव मैं पूरे दिन स्पोर्ट्स में ही रहता था पूरे कोई ना कोई कला है उसका वर्क चलता ही रहता था और स्पोर्ट्स तो चलता ही रहता जब भी कोई भी चांस मिले पूरे दिन में एक हरीफाई तो हमारी होती थी हंड्रेड मीटर की कम से कम एक एक से ज्यादा हो सकती थी लेकिन एक से कम तो नहीं कि हम सुबह में स्कूल में जाकर राय देख रहे हैं कि कौन बच्चा स्ट्रांग लग रहा है उसके साथ एक दौड़ लगाओ हंड्रेड मीटर की वो जीतता है या मैं जीतता हूं रिसेस में भी ये काम होता ही रहता तो मेरा शरीर इतना बड़ा नहीं था मैं कॉलेज तक मेरा वेट 53 टू 55 के बीच ही रहता था उससे ज्यादा नहीं ज्यादा से ज्यादा 57, उससे आगे नहीं ये तो मैंने प्रयोग करने के लिए 57 से मैं 100 पर पहुंचा कि चलो क्या होता है बड़े शरीर में बड़ा शरीर करने की जो कुछ नहीं मिला मुझे ऐसा लगा कि व्यर्थ समय बिगाड़ा मैंने थोड़ा <coughs> ये समय नहीं बिगाड़ा होता तो महामृत्यु महाअत विश्वविद्यालय दस साल पहले हो जाती <coughs> लेकिन मैं देखता हूं कि बच्चे को खिलाते ही जा रहे खिलाते ही जा रहे मुख्य जो बात है वो है शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी। पूरा का पूरा का पूरा शरीर है उसे किस तरह से फ्लेक्सिबल बनाना है और जितनी आध्यात्मिक कला आध्यात्म के साथ जुड़ी हुई जो युद्ध की कला है या जिसमें शरीर को महत्व दिया जाता है ऐसी जो कलाएं हैं आध्यात्म के साथ जुड़ी हुई शरीर की शक्ति को प्रज्वलित करना है जिसमें उसमें शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को देखा जाता है और यह सारी युद्ध कला है उसमें शरीर को गिराने की प्रक्रिया जो है मैंने देखा सारी की सारी जो प्रक्रिया है देखी उसमें मैंने ठीक से देखा कि आखिर क्या ये लोग करवाना चाहते तो शरीर को गिराने की प्रक्रिया कि जो मुख्य भय है वो है कि हमारा शरीर गिर जाएगा तो तो इसके लिए तैयार कर रहे हैं कि किसी भी तरह से तुम्हारा शरीर गिराए गिराया जाए तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी हो शरीर की कि कोई तुम्हें नुकसान न हो कहीं से भी तुम गिरो और अगर पहला 25 इयर्स ईयर्स है 25 साल है जो पहला जीवन का 25 साल बाद में भी हो सकता है मैं ऐसा नहीं कहता ये शरीर पर है कि शरीर को किस तरह से रखना है वो हमारे पर है कि हम किस तरह से समझ रहे हैं शरीर की शक्ति को या उसका कितना उपयोग करते जा रहे हैं लेकिन जो अगर हम ठीक से समझे तो पहला पच्चीस साल है उसमें शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने की कला सीखनी है लड़कों को खाली जिम में जाकर मैं देखता हूं बच्चे अवैज्ञानिक रूप से एक्सरसाइज कर रहे हैं वो मसल्स बना ले बन, बना रहे हैं मसल्स बना रहे हैं। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जा रही है Read की जो फ्लेक्सिबिलिटी है पूरी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी क्योंकि मैं सब प्रक्रियाओं से निकला मैंने देखा कि जिम की जो वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइज है वो अगर ठीक गाइडेंस और नहीं है किसी इंस्ट्रक्टर के पास मैंने देखा वो वैज्ञानिक रूप है ही नहीं समझ का कि बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में लेना है जब कोई बच्चा इंस्ट्रक्टर के पास आता है तो उसे इतना पता होना चाहिए कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है बॉडी की और अगर वो इससे ज्यादा वेट लिफ्टिंग करेगा बाहर के शरीर देखेगा तुम्हें बाहर का शरीर फेफड़ा तुम्हारा नहीं बनेगा फेफड़े की जो ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता है या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकने की क्षमता है वो खाली वेट लिफ्टिंग के एक्सरसाइज से नहीं हो सकती और जो जिम का वातावरण है पूरा बंद एक्सरसाइज कभी बंद कमरे में मत करो एक्सरसाइज एक्सरसाइज अगर तुम्हें करनी है और पहला जो पच्चीस साल है वो तो जो उसकी मुख्य एक्सरसाइज है वो है मैं तुम्हें कहूं दौड़ तुम जॉगिंग है रनिंग है मैक्सिमम कैपेसिटी पर कितना आप दौड़ सकते हो आपकी फेफड़े की कितनी क्षमता है अगर हंड्रेड मीटर में पता चलता है कि हंड्रेड मीटर आप जरा फास्ट दौड़ के देखना कि कितनी क्षमता है और धीरे धीरे मैंने मेरे शरीर पर देखा कि धीरे 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 जैसे उम्र आगे जाती है हम ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे शरीर पर तो जो शरीर का फाइबर होता है जो पैर का फाइबर है वो डल हो जाता है फिर इतनी रनिंग नहीं हो सकती आज अगर मैं निंजा के साथ दौड़ने जाऊं तो नहीं हो सकता निंजा आगे ही निकल जाएगा क्योंकि अब ए, मेरे फेर में पैर में इतनी ताकत नहीं रहती कि मैं उसका सामना कर सकूं लेकिन मैं इसलिए तुम्हारा ध्यान उस पर ले जा रहा हूं कि देखो आज कितनी क्षमता है अगर निंजा दौड़ रहा है तो उसके आप देखना कि कैसी दौड़ लगाता है हंड्रेड मीटर दौड़ता है अगर वो ठीक से करेगा तो बीडी अपने आप छूट जाएगी पता नहीं मुझे छूटी कि नहीं लेकिन छूट जा सकती है और हंड्रेड मीटर दौड़ने के बाद बाबा स्वामी का मैं ऐसा नहीं कहता हूं ध्यान गलत है लेकिन 100 मीटर दौड़ने के बाद ध्यान लगाओ त्रिनेत्र पर लगता है कि नहीं उससे पहले नहीं उससे पहले लगाओगे तो रीट को ढीली करने का मन होगा और जैसे रीट ढीली होगी बीड़ी याद आएगी तो रीट को सिद्धि करनी है और 100 मीटर दौड़ जिसकी क्षमता है आप युवान हो तब 100 मीटर अगर आप नहीं दौड़ोगे तो आप दौड़ोगे कब सेवेंटी आप देख रहे हो कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे फिर हम हंड्रेड मीटर की दौड़ लगाएंगे जब पूरा बैंक बैलेंस हो जाएगा हमारे पास सारी सिक्योरिटी हो जाएगी तब हम दौड़ लगाएंगे तब तुम दौड़ नहीं लगा सकते तब तुम्हें खाली उतना ही दुख होगा कि इतना सब कुछ होते हुए भी दुख वहां का वहां है और गहरा हो गया तो जब तुम्हारे पास युवानी है अब शक्ति है तुम्हारे पास जितनी भी शक्ति मैं खाली युवान को नहीं कह रहा <coughs> जितनी शक्ति है उसका पूरा उपयोग करना है लेकिन जो पहला पच्चीस साल है जिसमें शरीर को ठीक से तैयार करना है उसके लिए मैं कह रहा हूं उसका मार्गदर्शन दे रहा हूं दौड़ पूरा दौड़ जंप जितना भी जंप लगा सको अनेक प्रकार के जंप है अगर आप मार्शल आर्ट की प्रक्रियाओं को देखो अनेक प्रकार के जंप है तो जितने जितने प्रकार के जंप है यहां हम खोल रहे हैं उसको धीरे 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 प्रकाश में ला रहे हैं कि इतनी तरह से शरीर को आप कुदा सकते हो तुम जरा देखना कि तुम कितनी तरह से शरीर को कुदा सकते हो और मैंने मेरे शरीर पर काम किया कि वो भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है फिर तुम्हारे शरीर में पैर में पूरे शरीर में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह सकती कि हंड्रेड हंड्रेड 100, 100 जंप जो मैं युवा में लगा सकता था आज वो काम नहीं हो सकता नहीं हो सकता और जरूर भी नहीं रहती इतनी जरूर भी नहीं रहती क्योंकि खाली शरीर पर मैं ठहरने की बात नहीं कर रहा हूं मैं खाली नहीं कहता कि तुम शरीर ही मुख्य है लेकिन शरीर है जो शरीर है उसकी शक्ति को पूरा प्रज्वलित करने की तो कला सीखनी है। और फ्लेक्सिबल बनाना है लड़कों लड़कियों को पहला जो 25 साल है तुम्हारा शरीर पूरा फ्लेक्सिबल होना चाहिए इस तरह का खेल खेलो तुम कबड्डी है कम से कम एक लड़के के साथ एक लड़के को कुश्ती करनी चाहिए दिन में सुबह में रिसेस है इतना समय मिला है दस मिनट दो मिनट लगता है ठीक से अगर आप द्वंद्व युद्ध की जो मैं कला सिखाता हूं तुम्हें करके देखो आप और जिसकी क्षमता है एक बार तो तुम्हें बीड़ना ही है सुबह में और अगर अलका और खंजरी सुबह में एक बार कुश्ती कर ले एक बार मैं दिखाता हूं और ऐसा नहीं कि लड़कियों के लिए नहीं ये कला युद्ध की कला लड़कियों के लिए नहीं ऐसा नहीं है सबके लिए ये जो प्रक्रिया मैं दिखाता हूं ये तो शरीर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसे बढ़ाने के लिए शारीरिक तल पर देखा जाए तो शरीर का जो मस्क्यूलर वर्क है उसको ठीक से समझना है मसल्स का उपयोग होना चाहिए जिस मसल से पूरी हड्डियां संभली हुई है उसका उपयोग होना चाहिए और पहला 25 साल अगर तुमने ठीक से ऑक्सीजिनेटेड किया बॉडी को फ्लेक्सिबल किया शरीर को जितना फ्लेक्सिबल कर सको तुम्हें यह देखना है स्ट्रेचेबिलिटी कितनी होती है शरीर की आज तो ऐसा विज्ञान है कि तुम पूरा स्ट्रेचेबिलिटी मैं भी तुम्हें कह सकता हूं कोई भी बच्चा मेरे सामने आए मुझे पता चल जाता है कि इसकी स्ट्रेचेबिलिटी इतनी है लेकिन फिर भी मैं उसका नेचुरल ग्रोथ देखता हूं कि वो नेचुरल कितना इंटरेस्ट ले रहा है अगर बबलू पीछे से पैर खींचता है तो मिलन को होता है तरस, कि मैं भी मेरा पैर ऐसा खींचू जिस तरह से बबलू खींच रहा है नटराज आसन वो कर सकता है तो मिलन कर सकता है नटराजासन उस पर कोई बड़ी बात नहीं है कि वो कर सकता है इसका तो अभी फ्लेक्सिबल शरीर है और जो जो छोटे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं इस जगह पर आ रहे हैं जहां हम इतना वेटेज दे रहे हैं इसे इतना भार दे रहे कि तुम्हारा शरीर इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए और इसका कारण है कि अगर पहला 25 साल तुमने ठीक वर्क किया शरीर पर और इतना बड़ा भी नहीं है वो ज्यादा से ज्यादा 45 और वन आवर की बात है 45 फाइव मिनट टू वन आवर 60 मिनट अगर ठीक वर्क हुआ सुबह में और ऐसा ही थोड़ा शाम को अगर बच्चे समझ ले कि और मैं तो ये भी नहीं कहता कि मां बाप समझाए बच्चे को मैं तो ऐसा देखता हूं कि जैसे जैसे समय जा रहा है बच्चे एकदम मेच्योर आ रहे हैं जन्म ले रहे हैं मेच्योर प्रज्ञाएं आ रही है पृथ्वी पर वो बहुत समझदार है मैं तो कहता हूं बच्चों को समझना है कि क्या उसके लिए अच्छा है डायरेक्ट बच्चों को समझना है ऐसा नहीं कि माँ बाप समझाए बच्चे को सेल्फ रिस्पॉन्सिबल करते जाना है और वो होता ही है अपने आप होता है कि उसे ठीक से मार्गदर्शन मिलता जाए ऐसा वातावरण हो तो उसे वो करता ही जाएगा अपने आप करेगा बच्चा उसे कुछ भी नया सीखने का उसमें एक उम्र में रसी होता है कि अगर कोई पैर खींच रहा है तुरंत मैं देखता हूं कि यहां के आप आदिवासी लड़कों को भी देखना कि अगर तुमने कुश्ती की है शाम को दो व्यक्तियों ने कुश्ती की है तो सुबह में तुम देखोगे तो वो भी कुश्ती कर रहे हैं तुम जैसा अगर बबलू ने पैर फंटाए है, है दो तो रणजीत ने देख लिया है कि हां इस तरह से पैर फंटाए जाते तो वो भी करेगा जब समय मिलेगा तो वो भी करेगा सब बच्चे करते ऐसा नहीं सब करते लेकिन उसे ऐसा वातावरण चाहिए बच्चों को ऐसा वातावरण चाहिए उससे समझना है बच्चों को समझना है कि सुबह में मोबाइल नहीं पकड़ना है पकड़ना ही नहीं है और ऐसे स्थान पर मोबाइल को छूना ही नहीं है ऐसे स्थान पर आप जितना मोबाइल वर्क करोगे बिन जरूरी आप समझो उल्टा काम होगा तुम्हारे जीवन में दुख बढ़ते जाएंगे विचित्र परिस्थितियां बढ़ती जाएगी समझना करके देखो ये प्रयोग जितना जरूरी है जरूर करो जितना जरूरी है तुम्हें कांटेक्ट करना जरूरी है मोबाइल से करो जितना तुम जरूरत से ज्यादा करोगे तुम्हें पता नहीं आध्यात्मिक स्थान का विज्ञान क्या होता है उसमें बिन जरूर मैं तो देखता हूं मंदिर में पूजा करते करते पुजारी पूजा के गर्भ द्वार से वो मोबाइल लगा रहा है बिल्कुल अवैज्ञानिक बिल्कुल अवैज्ञानिक तुम मदद नहीं कर सकते सामने वाले को बढ़ जाएगी उसकी तकलीफें बढ़ जाएगी क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसको आत्मा के साथ संबंध है जैसे जाने दो समय कितनी बीमारियां देखो दिखाते हैं वैज्ञानिक के सारी बीमारियां तुम्हारा मोबाइल का ओवर है ये लैपटॉप का ओवर है इसके कारण इस तरह की मेंटल बीमारी हो सकती है और खास करके मेंटल क्योंकि शारीरिक शरीर की शक्ति खींची जाती है उसमें शरीर की शक्ति एडवर्स इफेक्ट लाती है तो मानसिक बीमारी तुम्हें पकड़ लेगी असंतुलित हो जाएगा तुम्हारा मन तुम करके देखो और मैं तो कहता हूं कि सुबह का जो समय है उसमें तुम मोबाइल में जाओ ही नहीं मोबाइल में जाना है तो पहले तुम तुम्हारी ठीक से एक्सरसाइज कर लो प्रार्थना कर लो उसके बाद बैलेंस हो जाओ कि सामने वाला इम्बैलेंस है मैं देखता हूं घंटे घंटे मोबाइल पर बातें चलती है घंटे घंटे मोबाइल बंद किया फिर दूसरे साथ चालू हो गए बात दूसरे के साथ चालू बात चालू होगी इस तरह से नहीं हो सकता अगर तुम्हें मोबाइल चलाना सीखना है तो मैं तुम्हें सिखाऊं कि मोबाइल जब तुम कर रहे हो तुम पता है सामने की व्यक्ति का क्या स्टैंडर्ड होगा कहां पर है वो क्या कर रहा है कैसी तरंगे है उसकी तुम्हें पता है जिस व्यक्ति के साथ तुम कॉन्टेक्ट कर रहे हो वो कैसी मानसिक दशा में जब तुम कॉन्टेक्ट करते हो उसका मन पूरा आ जाएगा तुम्हारे भीतर तुम्हारा तुम मिक्स हो जाएगी तुम्हारी आत्मिक तरंगे दोनों की मिक्स हो जाएगी एक दूसरे के साथ एक हो जाएगी उसका कचरा तुम्हारे में आ सकता और कचरा ही आएगा तुम जिसे मोबाइल कर रहे हो उसमें चिंता ही होगी भय होगी चिंता होगी काम क्रोध की तरंगे होगी वो तुम्हारी तो है ही प्लस उसकी मिली तुम्हें गेट वन हंड्रेड विल बी फ्री मिल गई तुम्हें बस और तुम्हें पता भी नहीं तुमने एक एक मोबाइल एक कांटेक्ट किया और ये मैं उसे बता रहा हूं जो साधक है जो साधना कर रहे साधना की दिशा में चलो संसार में होता है ठीक है लेकिन कल के तुम मार्गदर्शक हो साधक है वो कल का मार्गदर्शक है संसारियों के लिए तो उसे समझना है कि जब तुम एक मोबाइल कांटेक्ट करो उसके बाद कम से कम तुम्हारा एक मिनट का ध्यान होना चाहिए शांत कि उसका जो नकारात्मक तरंग है उसको निकाल दो पूरा भीतर से रहना नहीं चाहिए तुम ऐसा समझो कि अभी कुछ चीज यहां गिरती है समझ लो चाय का प्याला गिरता है तो तुम ऐसा सोचोगे कि, कि चौबीस घंटों के बाद हम करेंगे साफ तुम इस तरह से काम करते हो तुम करते हो तो मुझे पता नहीं लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए अभी चाय का प्याला गिरा अगर हमने साफ न किया यहां मक्खी हो जाएगी कीड़े हो जाएंगे अभी ही साफ करना है इसी तरह से प्रतिपल देखना है किस व्यक्ति के साथ तुम कांटेक्ट कर रहे <coughs> तो अलका ने जब खंजरी के साथ ये बना हुआ तो उसने रोज साफ नहीं करती थी या उसका मन रोज साफ नहीं होता था तो कचरा बनता गया बनता गया बनता गया तो आखिर ऐसा स्वरूप आ गया कि कट्टर दुश्मनी हो गई लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पर तुम किसी व्यक्ति का कांटेक्ट कर रहे हो जैसे मैं अभी तुम्हारे साथ हूं या तुम मुझे तुम्हारे साथ में कांटेक्ट कर रहा हूं ऐसा भी नहीं कि बाद में जैसे जैसे तुम जागरूक होते जाओगे प्रतिपल तुम्हें पता चलेगा कि यह व्यक्ति का इस तरह की तरंग मुझे छू रही है इसकी ऐसी भावनाएं मेरे भीतर आ रही है ऐसे विचारों की तरंग मेरे प्रति आ रही है तो ये इसकी तरंग है अगर मैं संभलूंगा नहीं तो उसकी नकारात्मक तरंगे मेरे भीतर आ जाएगी और मुझे मेरी तो तरंगे ठीक करनी है पुरानी और अब इसकी आगे वो भी करनी तो ऐसा प्रतिपल करना है तुम्हें जागृत रहना है इस स्थान पर यह सीखना है कि तुम अगर मोबाइल कर रहे हो उसके बाद बैलेंस करो अपने को और बैलेंस करने की प्रक्रिया में तुम्हें समझा रहा हूं बैलेंस करने की प्रक्रिया में कुछ भी नहीं है त्रिनेत्र पर खाली ध्यान ले जाओ जो ले जा सकते हैं त्रिनेत्र पर ले जाओ त्रिनेत्र पर न ले जाओ तो एक सांस गहरा ले लो गहरा सांस एक सांस उच्छ्वास साफ हो सकता है तुमने जो मोबाइल कांटेक्ट किया किसी व्यक्ति के साथ तो उसके साथ तुम एक जैसे कांटेक्ट पूरा हो एक सांस उच्छ्वास गहरा ले लो तो उसका कोई भी नकारात्मक उसकी चिंताएं उसका भय तुम्हारे पर असर नहीं करेगा आखिर तुम मोबाइल कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो तुम थोड़ा दुख बढ़ाने के लिए कर रहे हो लेकिन दुख बढ़ जाएगा अगर तुम ठीक से नहीं गए तो दुख बढ़ जाएगा तो मैं था कहां था पता है मैं तुम्हें यह समझा रहा था कि जो पहले पच्चीस साल है अगर ठीक से शरीर को तैयार किया गया तो तुम्हारा शरीर ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी हड्डी और तुम्हारे मसल्स अलग नहीं होंगे हड्डी और मसल्स एक रस हो जाएंगे एक रस ठीक से एक्सरसाइज की गई फ्लेक्सिबल से शरीर को फ्लेक्सिकल फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है रनिंग है जंप है स्ट्रेचेबिलिटी के एक्सरसाइज है जिसमें स्ट्रेचिंग किया जाता है बेंडिंग है बैक बेंडिंग बेंडिंग बैक पीछे की ओर मुड़ना जो भूल ही गए तु, तुम कभी इतना पैसे पैसे के लिए हम आगे इतना दौड़ते इतना दौड़ते कि पीछे कुछ है हम पता ही नहीं पीठ में जब तक कुछ दर्द नहीं होता मैं पता ही नहीं कि पीठ है भीतर जब चढ़ आती है तब पता चलता है कि हाँ पीठ भी है मेरे भीतर हम इतना और हमें क्या भूत हो गया कि इतना पैसा इकट्ठे करने के बाद हमें ये नहीं देखते कि चलो इतना हुआ मेरे पास तो अब मैं देखू इतने पैसे में मुझे मजा आता है कि नहीं आता हम ऐसा ले लेते हैं कि इतना पैसे में मजा नहीं आता है अभी और चाहिए तो मजा आएगा पहले इतने में तुम्हें मजा नहीं आएगा तो और में कहा से आएगा लेकिन तू बस अंधी दौड़ लगाते जाते लगा जा। यहां से कुछ ले ले वहां से कुछ यहां से शायद मजा आ जाएगा वहां से मजा नहीं आएगा मजा क्योंकि मजा का सोर्स तुम स्वयं हो मजा तुम्हारे शरीर में पड़ी है चलो मैं कहता हूं कहां है मजा तुम्हारे शरीर में फ्लेक्सिबल करो शरीर को ठीक से लचीला करो यह दृष्टिकोण है युद्ध कला का कि कितना शरीर फ्लेक्सिबल किया जा सकता है और युद्ध कला में वो ही जीत जी, जीत जाता है हार के भी जीत जाता है मैं तुम्हें ऐसी कला सिखाता हूं समझाता हूं कि हार के भी जीत जाता है <clears throat> तो पहला 25 साल ठीक से वर्किंग किया जाए शरीर पर ठीक से तुम्हें कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं हो सकती मानसिक बीमारी हो ही नहीं सकती कोई भी मानसिक बीमारी नहीं हो सकती मानसिक बीमारी का इतना ही कारण है कि तुम्हारा शरीर ठीक से ऑक्सीजनेटेड नहीं हो रहा है या तुम्हारा शरीर की जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार तुम वैज्ञानिक रूप से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो अगर ठीक से की जाए तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा तुम्हारी हड्डी और मांस मजा अलग नहीं रहेंगे मसल्स जो है हड्डी के साथ जुड़े हुए मसल्स है पूरी हड्डी पूरे मसल्स तुम ऐसा समझो हड्डी के साथ हड्डी को संभालने वाले मसल्स है सूक्ष्म सारे ऑर्गन्स हार्ट है किडनी है पेंक्रियाज है लीवर है जितने भी भीतर ऑर्गन्स है उसके संभालने वाले सूक्ष्म वा फाइबर्स है ये तैयार होते हैं पहले पच्चीस साल में अगर वो तैयार नहीं हुए तो बाद की जो उम्र है उसमें उतना तुम्हारा शरीर तैयार नहीं होगा जो 25 साल में ऑक्सीजनेटेड जितना हो सकता है तुम्हारा शरीर वो बाद में नहीं हो सकता तो पहला 25 साल ये संभालना है अगर 25 साल ठीक से एक्सरसाइज की जाए ठीक से शरीर को समझा जाए तो आज जो हड्डियों की ऐसी बीमारी हो जाती है इतना वीक शरीर होता जा रहा है नहीं होगा और ऐसा समय आएगा कि जब तुम्हारा शरीर विक हो रहा है उससे पहले तुम मुक्त हो जाओगे शरीर फरियादी नहीं रहेगी शरीर के लिए अगर शरीर में कुछ हो ही रहा है तुम घबराओगे नहीं मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाता हूं कि अगर ठीक से तुमने शरीर को फ्रेश कर लिया तो तुम शरीर का स्वाद लेने लगोगे शरीर स्वयं परम स्वाद शरीर स्वयं क्योंकि सारी इंद्रियां शरीर में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जो व्यंजनों खाते हो उसमें कोई स्वाद है मैं कहता हूं नहीं है तुम्हारा ठीक से शरीर तुम उपयोग करो तुम ऐसे वैसे व्यंजन शरीर में डाल ही नहीं सकते तुम प्रयोग करके देखना तुम्हारा शरीर ठीक से प्रज्वलित हो रहा है तुम्हारी भूख ठीक से लग रही है प्राकृतिक भूख है तुम्हें प्राकृतिक खुराक के प्रति आकर्षण होगा तुम ऐसे वैसे खुराक नहीं डालोगे पेट में प्रयोग के लिए ठीक है कि तुम प्रयोग करने के लिए कि यह खाया क्या होता है वो खाया क्या होता है किस कैसे शरीर पर किस किस तरह की असर होती है ये खाते हैं तो कैसे कैसे भाव बनते हैं कैसे विचार आते हैं किस तरह से शरीर डाइजेस्ट करता है ठीक है इसको समझने के लिए तुम करो वो ठीक है लेकिन अगर प्राकृतिक भूख लगी तुम्हें प्राकृतिक तो तुम्हें प्राकृतिक रूप से जो अनाज है फ्रूट है सब्जी है वही खाने का आकर्षण होगा मैं तुम्हें मेरे शरीर पर से करता और भूख नहीं लगेगी जब तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ना ना कुछ आज स्वादिष्ट बनाए इसमें यह डाले मिर्च डाले ज्यादा लसन डाले डूंगड़ी डाले ये एक्साइट कर रहे हैं तुम्हारे जो ऑर्गन्स है भीतर भूख लगती ही नहीं सिक्रीशन नहीं हो रहा है भीतर से आज जो इतना लारी पर लोग खाते हैं क्यों खाते होटलों में जाते है क्यों जाते हैं मैं कहता हूं तुम भूख लगती ही नहीं भूख लगती नहीं रोटी सब्जी दो वो मुंह बिगाड़ते भूख लगती नहीं शरीर का कोई उपयोग नहीं तो तुम्हारा शरीर ब्लड सर्कुलेशन ठीक है ही नहीं ना ऑक्सीजनेटेड हुआ है पूरा बॉडी तो भूख लगेगी नहीं श्रम से तुम बच रहे हो तुम उसे समृद्धि कहते हो जिसमें बस तुम बैठे हो ऑर्डर मारते हो पानी तो वो नौकर पानी लेकर आता है चाय तो नौकर उस, उसको तुम बहुत धनवान मानते हो कि तुम कहते हो कि मेरे मेरे पास इतने दस बार नौकर है वो सब काम कर लेते हम तो बैठे बैठे ऑर्डर मारते वो स्वस्थ होता जाएगा नौकर को उतने चिंता भय नहीं सताएंगे जितना आपको सताएंगे क्योंकि आप बैठे बैठे अखबार पढ़ रहे हो उसकी कचरा भीतर डाल रहे हो टीवी देख रहे हो जिसमें कुछ देखने जैसी चीजें नहीं है वो तुम तो भीतर भर रहे हो और मैं लोगों को मिलता था मैं देखता था वो कहते हैं टाइम पासिंग वो कहते टाइम किलिंग समय समय मार रहे हैं वो टाइम किलिंग साफ लेटेस्ट इंग्लिश इंग्लिश का वर्ड है लेटेस्ट वर्ड अमेरिका से आया हुआ टाइम किलिंग टाइम किलिंग आत्मा किलिंग अगर तुम कहते हो टाइम किलिंग मीन स्वयं किलिंग आत्मा किलिंग तुम सुसाइड कर रहे हो समय स्वयं आत्मा है आत्मा स्वयं समय है समय के साथ साथ है हम उसको तुम मार रहे हो तो ऐसे ऐसे लड़के टीवी देख, देख 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 रहे हैं कि किस तरह से गवास्कर बॉल डाल रहा है या कपिल देव ये तो मैं मेरे जमाने के नाम बोल रहा हूं आज के कौन से क्रिकेटर है पता नहीं फुटबॉल मैच देख रहे हैं ठीक है देखो आप स्वयं खेलो फुटबॉल खेलना है तो तुम खेलो फुटबॉल क्रिकेट तुम खेलो गवास्कर खेले और हम देखे ये ठीक नहीं है हमें अपना शरीर बनाना है तो जितना शरीर ठीक से तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड होगा जितनी प्रक्रियाएं है आध्यात्म के साथ जुड़ी हुई सत्य के साथ जुड़ी हुई उसका लक्ष्य है तुम्हें शरीर से ऊपर ले जाना शरीर में नहीं रहना है शरीर से ऊपर रहना इस तरह से रहना है जिस तरह से हम घर में रहते समझ लो कि हम एक घर में रहते वो घर गिर गया तो वो हम थोड़े घर गिर गए हमसे बाहर कुछ गिर गया हम दूसरे घर में जा सकते दूसरा घर बना सकते <clears throat> इसी तरह से हम जिस शरीर में रहते उस शरीर से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है शरीर से कैसे ऊपर उठा जा सकता है तो ऊपर इस तरह से उठा जा सकता है कि तुम पहले शरीर का स्वाद लो शरीर जो स्वयं है उसको ठीक से जानो शरीर का जो स्वास्थ्य है एक भीतर का स्वास्थ्य है बैलेंस है शरीर का उसका जब तुम स्वाद लेने लगोगे फिर तुम्हारे शरीर में रस नहीं रहता तुम शरीर से ऊपर उठने लगोगे अपने आप अपने आप ऊपर उठने लगोगे अपने आप जो प्रक्रिया है। मैं तुम्हें दिखाता हूं वो प्रक्रियाओं का कारण यह है कि जीवन भर शरीर में नहीं रहना है ठीक है शरीर के प्रति तुम्हारा आकर्षण हो युवानी में होता है कि इस तरह से मसल सोना चाहिए लड़कों को होता है कि इस तरह से मेरी चेस्ट होनी चाहिए ऐसा ही हीमैन स्वरूप होना चाहिए लड़कियों को भी होता है कि इस तरह से बाल होने चाहिए ऐसा चेहरा होना चाहिए चमकता हुआ चेहरा गोरा चेहरा होना चाहिए चड़कता हुआ चेहरा होना चाहिए ऐसा स्लिम बॉडी चाहिए ठीक है कुछ समय तुम शरीर में से निकलो शरीर के प्रति आकर्षण हो वो भी ठीक है लेकिन जीवन भर में शरीर शरीर ही है उसका स्वभाव समझना ही कि जब हम सत्य को जानने ही निकले तो समझना है कि शरीर तो जा ही रहा है वो मृत्यु के मुख में जा ही रहा है प्रतिपल हमें पता हो ना हो और किसी भी क्षण ये दुर्घटना बन सकती है किसी भी क्षण मौत आ सकती है शरीर को तो शरीर के साथ जो संबंध बनाना है हमें वो इस तरह का कि शरीर <clears throat> से अंतर किस तरह से हो मैं जो तुम्हें बताता हूं मार्गदर्शन दे रहा हूं वो ये दे रहा हूं कि शरीर से किस तरह से ऊपर उठा जाए तो कब ऊपर उठ, उठ सकते हैं हम जब तुम शरीर को पूरा प्रज्वलित करने की कला सीखो पूरा जितनी तुम्हारी क्षमता है मैं ऐसा नहीं कहता कि इतना घंटा कर, एक्सरसाइज करनी है मैं नहीं कहता तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी तुम समझो कि अभी इतनी तुम्हारी फ्लेक्सिबल शरीर है तो तुम्हारे उतना तो उपयोग करना ही है तुम्हारा हाथ अगर यहां से इतना ऊपर उठ सकता है तो उठाना ही है तुम अगर थोड़ा सा भी दौड़ सकते हो तो दौड़ना ही तुम थोड़ा सा जंप लगा सकते हो थोड़ा सा आधा मिलीमीटर जंप लगा सकते हो आधा मिलीमीटर भी जंप लगाना है कम से कम सुबह का एक घंटा ऐसा निकालना है कि जितनी शरीर की क्षमता है जितनी भी वो भी रोज बदलती है तुम शरीर को देखोगे रोज बदलेगी एक दिन तुम्हें एकदम एक्सरसाइज करने की इच्छा होगी करो क्योंकि उस दिन बहुत एक्सरसाइज करने का मन हो रहा है तो है शक्ति भीतर करो एक दिन आएगा कि शोल्डर में से शक्ति आती नहीं तुम देखते हो ही नहीं रहा हूं उसका कारण है कि आती नहीं मैं क्या पंजा लड़ाऊ पंजा लड़ाने के लिए कुछ तो चाहिए वो मेरा पंजा अडे और मेरा पंजा गिर जाए उसमें मैं क्या लड़ाई करूं मुझे अभी देना है डेमोस्ट्रेशन देना है और वो मैं किसी पर छोड़ना नहीं चाहता मैं देवानंद की तरह मैं खुद ही हीरो होता हूं देवानंद किसी को चांस नहीं देता कितनी लास्ट उम्र तक उसका बच्चा था उसका लड़का हो गया दोनों का फिल्म था आनंद और आनंद तो मैं इसलिए देखने गया था कि इसमें तो देवानंद बाप होगा ना उसका बेटे की शादी होती है उसका बच्चा होता है वो देवानंद <laughs> तो वही हूं। मैं ऐसा नहीं कहता मेरा भी वही है कि मैं डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूं इस प्रक्रिया को और गहरा ले जाना चाहता हूं लेकिन मैं देवानंद के ना बबलू के साथ बबलू मेरा पंजाब गिरा दे तो भी मैं ही दूंगा डेमोन्स्ट्रेशन तो मैं हीरो तो मैं ही रहूंगा देखना कि वो मेरा पंजा गिराएगा तो भी तुम उस पर ध्यान नहीं दोगे देखना वीडियो तुम मुझ पर ध्यान वाह और मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूं चका बापा की कलाएं मेरी नहीं। हार के भी तुम्हारे चेहरे पर कोई हार की एक भी रेखा तुम पकड़ना मैं फकीरे को कहता हूं वो मेरा पंजा गिरेगा तू मेरा मुंह पकड़ना कि मेरे मुंह पर कितनी निराशा आती है या हार का भाव आता है आएगा ही नहीं उसने मेरे गुरु है चका बाबा वो नहीं आ सकती हाँ तो मैं उस पर था कि अगर ठीक से काम किया जाए शरीर से कैसे मुक्त होना है मैं किस पर था शरीर से किस तरह से मुक्त होना है तो शरीर का स्वाद लेना है किस तरह से लेना है शरीर का स्वाद तो पूरा शरीर पूरा का पूरा शरीर तुम्हें पता होना चाहिए मैं जो अलग अलग रूप से अलग अलग एक्सरसाइज से तुम्हें दिखाता हूं उसका इतना कारण है कि पूरा शरीर तुम्हें ध्यान में होना चाहिए कि इस तरह से शरीर को ठीक से उसकी एक्सरसाइज करवानी है शरीर के पास से और पूरे दिन आड़स पर नहीं जाना है प्रमाद को जानना है मैं ऐसा नहीं कहता कि अगर तुम जीवन भर आड़स ही किया है तो तुम यहां एक दिन में मुक्त तो हो जाओगे ऐसा नहीं होगा जैसा ही मैं जाऊंगा एक घंटे के बाद तुम ऐसा लगेगा चलो अब थोड़ा लेट ही जाए लेट जाओ कोई बात लेकिन जैसे आराम हो जाए फिर से बाहर आ जाओ और शरीर को ठीक रूप से काम करवाओ उसके पास से काम कर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे मुकेश है गल्लू है ये लोग जो लकड़ियां काट रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को मैं श्रम करते हुए मेरा ऐसा लगता है कि मेरा शेर लोई बढ़ रहा है जब मैं युवाओं को ऐसा देखता हूं काम करते हुए युवाओं को नहीं युवान है युवान तो यहां एक ही है धर्मानंद वो जब काम करता है मुझे लगता है कि ना इस तरह से होना चाहिए काम मतलब जितनी शरीर की क्षमता है और आप देखना आपके पास कितनी क्षमता है मैं तुम्हें कहता हूं कि हर एक व्यक्ति एटॉमिक रिएक्टर है एटॉमिक रिएक्टर कि एटम जब टूटता है और उसमें से जो शक्ति निकलती है वो कुछ भी नहीं तुम्हारी शक्ति के आगे कुछ भी तुम जरा ठीक से शरीर को समझते जाओ काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ तुम देखना कि उम्र के साथ साथ, साथ तुम्हारा शरीर डल होता जा रहा है या प्रज्वलित होता जा रहा है ये उसकी निशानी है अगर तुमने जीवन ठीक से जिया है तो जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी तुम्हारा चेहरा और निखरेगा तुम और आत्मिक होते जाओगे आत्मा प्रकट होता जाएगा जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी तुम डल नहीं होगे युवान तुम्हारे सामने खड़ा है और एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा है वृद्ध की शांति अनूठी होगी क्योंकि उसमें से प्रज्वलित किया है शरीर को अगर ठीक से तुमने प्रज्वलित किया है तो शरीर से ऊपर उठ जाओगे ऐसे ही ऊपर उठ जाओगे प्रज्वलित का अर्थ है अग्नि शरीर अग्नि है 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 स्वयं, शरीर शरीर, वो पांच पांच तत्व से बना हुआ है, और उस तत्व को एक्टिव करना है सुबह में सुबह तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए मैं तुम्हें प्रमाण दे रहा हूं कि सुबह का जो एक घंटा है वो इस तरह का होना चाहिए कि उसके बाद तुम्हें अद्भुत शांति का अनुभव कर सको अद्भुत प्रसन्नता आनंद उल्लास मित्रता हकारात्मक भाव नई नई प्रेरणा कि आज का दिन ये करेंगे वो करेंगे इस तरह से जिएंगे, इस तरह से जिएंगे, ऐसा उत्साह दिन को जीने का उत्साह ये पहला घंटा है कि जब सुबह होती है तुम जागते हो तो इस बात पर ध्यान देना क्योंकि हम व्यायाम को आध्यात्मिक रूप दे रहे हैं हम खाली शरीर पर नहीं रहते हमें शरीर पर ठहरना है ही नहीं शरीर की शक्ति को ठीक से प्रज्वलित करना है इसके लिए जो व्यायाम है वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं और सुबह ऐसी चाहिए हमें कि सुबह तुम्हारा एक घंटा ऐसा होना चाहिए तुम जब मेरे पास आओ सब फ्रेश होकर आओ मेरे पास आकर तुम्हारा मुंह का भूंगड़ा खुलना नहीं चाहिए आ आ मेरे पास ये सब तुम बाहर करके आओ भूंगड़ा बाहर फेंको तुम्हारा इतना बड़ा सुंदर और वृक्षों को जरूरत है तुम्हें जब बगासा आए तुम वृक्ष के पास जाकर जोर से खाओ वो तुम्हारा बगारसा खींच लेगा उसे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है विज्ञान है और वो तुम्हें ऑक्सीजन देगा जब तुम्हारा बगारसा निकल जाए एक उंडी सांस लो वृक्ष के पास उसका ऑक्सीजन तुम ले लो उसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं वो उदार है ऑक्सीजन के बाहर वो तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा है और तुम कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए उदार हो दे दो उसे कार्बन डाइऑक्साइड उसका ऑक्सीजन ले लो बगारा उसके सामने खाना है मेरे सामने नहीं मेरे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है मुझे भी तुम्हारे तरह ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना पड़ेगा और तो जिस दिन तुम्हें लगेगा कि हाँ गुरु जी भी बगासा खा रहे देखना आप मैं तुम्हारे सामने नहीं ठहरूंगा मैं तुरंत खड़ा हो जाऊंगा तुरंत देखना पहले तो आएगा ही नहीं बगासा मैं खाकर आया हूँ पूरी रात यही काम किया कि जितना अंगार वायु है बाहर निकाल दो मित्र शिष्यों पर क्या इंप्रेशन पड़े अब तो इतने ही बचेंगे ये भागे भाग जाएंगे तो मैं अकेला सिंहासन पर करूंगा क्या फकीरा भाग गया तो मेरा वीडियो लेगा कौन हां तो मैं इस बात पर था कि सुबह का जो पहला घंटा है वो मुझे ऐसा अनुभव चाहिए विश्वविद्यालय का जो विद्यार्थी है उसे इतनी समझ होनी चाहिए कि पहला जो घंटा है इस तरह से एक्सरसाइज करनी है तुम खुद खोदते जाओ मैं तुम्हें बांधूंगा नहीं कि कौन सी एक्सरसाइज तुम्हें अच्छी लगती है प्रज्वलित करती है लेकिन पूरा शरीर तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि पूरा शरीर प्रज्वलित हुआ शरीर का कोना कोना प्रज्वलित होना चाहिए और तुम आनंद उल्लास प्रसन्नता से भरे हुए हो ये इसका प्रमाण है इसका प्रमाण है कि तुमने आत्मा को छुआ सुबह में और एक बार तुमने आत्मा को छू लिया फिर तुम काम करो <clears throat> फिर श्रम करना है पूरे दिन काम ही करना है और शाम को भी शाम को भी इसी तरह से प्रज्वलित करना है शरीर को क्योंकि तुमने दोपहर भोजन लिया है समझना तुमने दोपहर भोजन लिया है तो जब वो पचेगा तुम्हारा शरीर डल हो जाएगा तो जब डलनेस लगे शाम को डलनेस को प्रोत्साहित नहीं करना है खड़े हो जाओ अगर तुम्हारे में क्षमता है दौड़ लो कूद लो नाच लो भिखला गा रहा है सरास्या लो युद्ध तो है अभी मैं द्वंद युद्ध पर नृत्य पूरा हो गया मैं तुम्हें समझा रहा हूं द्वंद तो द्वंदयुद्ध की जो प्रक्रिया है वो इस तरह की प्रक्रिया है जिसमें गिराना है और ये प्रक्रिया मैं तुम्हें ठीक से समझाऊंगा कि किस तरह से गिराना है जब मैंने पहले दिन ये वर्णन किया और ऐसा होता है मोटू राम जैसी हस्ती जब आती है और उसी दिन से उसने खाली मुझे पता चला मुझे पता भी नहीं था कि मोटू राम आज आ जा रही लेकिन उसी दिन मुझे आ गई युद्ध कला कि मैं आज द्वंद युद्ध कला कुश्ती के बारे में मैं बताऊंगा कि कुश्ती का अध्यात्म के साथ क्या संबंध और मोटू राम का आगमन हुआ अब जब उसको मैंने जब पहली बार समझा कि गिरने का ये इतना फायदा है खंजरी ने पहले ही मोटू राम को पकड़ा कि तू मुझे गिरा, ने पटक दिया और खंजरी का जो भीतर का फ्लूड था मगज का पूरा घूम गया वो मेरे पास आए कि मुझे चक्कर आ रहा है चक्कर उसने कहा मुझे मोटूराम ने गिराया मोटूराम ने गिरा। कि मैंने ही कहा उसे कि तू मुझे गिरा तो उसने मुझे पकड़ कर नाक डाला जब तो स्पाइनल कोर्ड का फ्लूड हिल गया मगज का फ्लूड हिल गया तो चक्कर आया पूरे दिन चक्कर आया दूसरे दिन भी उसने कहा कि चक्कर आ रहा। आएगा इस तरह से नहीं काम करना है समझना है कि पूरा जो हमारा मस्तिष्क है उसके आसपास एक पानी है फ्लूड है और इसी तरह से हमारी जो बैकबोन है करोड़ रज्जू है उसके आसपास भी इस तरह का पानी है एक फ्लूड है उसके आसपास अगर जब हम और इसी के जो गिराने की प्रक्रिया है वो इसीलिए है कि ये जो फ्लूड है ये भीतर का जो फ्लूड है जिसमें पूरा हमारा मगज प्रोटेक्ट किया हुआ है या रहता है और इस फ्लूड का जो हलन चलन है वो मगज पर असर करता है उसके केंद्रों पर असर करता है तो गिराने की प्रक्रिया जो हुए है वो वैज्ञानिक रूप से लेनी है अब समझोगे आपने देखा होगा मैंने आप लोगों के सामने ये किया मैं बताता हूं तुम्हें कि पहले दिन मुझे मैंने बबलू को कहा मु, तुम मुझे तीन बार गिराओ उसने मुझे तीन बार गिराया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से अब कैसा असर आता है मेरे शरीर पर मैं तुम्हें कहूं कि उस दिन ऐसा हो गया कि मैं बोल न सकूं अगर मुझे तुम्हारे सामने आकर बोलना है वो लेक्चर भी अगर आप ठीक से देखोगे तुम्हें पता चलेगा कि मुझे बोलने में बहुत तकलीफ पड़ रही है कि शब्द को अगर मुंह तक लाना है या मुंह से एक्सप्रेस करना है तो तकलीफ पड़ रही मैं बताइए रहा हूं कि सबकी अपना शरीर है और शरीर को समझना है अब समझ लो कि मैं दूसरे दिन यही प्रक्रिया करवा रहा हूं उससे कि तुम मुझे तीन बार गिराओ मैं ये तुम्हारे पास आ ना सकूं या आऊं तो मैं लेक्चर न ले सकूं गा ना सकूं फ्लूट न बजाऊं बजा सकूं क्योंकि इस तरह का शरीर के भीतर जो शोक आता है या शरीर शक्ति जो जिस तरह से एडजस्ट होती है तो मेरे भीतर ये होता है कि फिर शब्द नहीं निकल सकते अगर मुझे दूसरा सेशन लेना है तुम्हारे पास आना है उसका ऐसा अर्थ नहीं कि रोज ऐसा होता है लेकिन हो सकता है मेरे साथ हुआ तुमने देखा होगा कि मैंने दूसरे दिन कहा कि तुम मुझे एक ही बार गिराना है तो मुझे पता है कि मेरा शरीर इतना झेल सकेगा गिराने की जो प्रक्रिया है ठीक से समझ लिए कि शरीर किस तरह से काम करता है और जो परिचित होते जाते हैं उसे भी धड़ से नहीं गिराना है तुरंत धड़ से नहीं गिराना है उसके स्पाइनल कॉर्ड पर एडवर्स इफेक्ट आ सकती है नुकसान हो सकता है मगज को नुकसान हो सकता है तुम्हें धीरे धीरे यह समझना है गिरना और जो बैक बेंडिंग है सबको आना ही चाहिए बैक बेंडिंग से सब परिचित हो बैक बेंडिंग का अर्थ है पीछे की ओर मुड़ना तुम्हारी जैसे उम्र बढ़ती है हमारे सारे काम ऐसे हैं कि हम सब्जी सुधारते हैं तो ऐसे नहीं सुधारते कि तुम हाथ पीछे ले जाकर बिकला काटता हो नहीं काटता वो आगे की ओर झुकता है तो हमारे सारे काम आगे की ओर झुकने के हैं तो तुम्हें ध्यान देना है पीछे की ओर जाने का पीछे की ओर और।, और इसमें जो लटकना है अलग अलग तरह से लटकना है लटको या ठीक से लटको ताकि तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड है उसके बीच ठीक से अंतर हो क्योंकि ये जुड़ता है गिराने की प्रक्रिया के साथ गिराने की प्रक्रिया में तुम्हारे बैक मसल्स जोरदार चाहिए तुम्हारे जो बैक के मसल्स है वो प्रोटेक्ट करते हैं जितने भी मैंने एक्सरसाइज देखी कुश्ती की मार्शल आर्ट की, की पुराने युद्ध की कला थी उसमें उसमें गिराने पर बहुत महत्व था बहुत जो प्रैक्टिस करवाते थे वो वही करवाते थे कि शरीर को किस किस तरह से गिराया जाए और तैयार किया जाए तो शरीर चारों ओर से पूरा मजबूत हो पूरा फ्लेक्सिबल लचीला हो और तुम्हारा शरीर जितना लचीला फ्लेक्सिबल भीतर के ऑर्गन उतने ही प्रोटेक्टेड उस पर उतना शौक नहीं आएगा शौक एब्जॉर्ब कर जाएंगे मसल्स तुम्हारे मसल्स जितने वीक तो भीतर शौक आएगा तो उम्र उम्र और जो शरीर का हमारा स्वरूप है शरीर की शक्ति है इस तरह से तुम्हें बेंडिंग सीखना है गिरने की जो प्रक्रिया है उस पर ध्यान देना है डायरेक्ट तुम जाओगे तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा वैज्ञानिक रूप से गिरने की प्रक्रिया को सिखाना है जो सातवीं प्रक्रिया है द्वंद्व युद्ध कला की सातवीं प्रक्रिया वो प्रक्रिया है गिराना गिराना गिराने की शरीर की जो गिरने की क्षमता है शरीर को जो गिर जाने की क्षमता है उस क्षमता पर ध्यान देना है इस प्रक्रिया में और जैसे जैसे तुम काम करते जाओगे गिरने से कोई डरना नहीं है इस प्रक्रिया को ठीक से समझना है मैं आई रहा हूं जैसा मेरा शरीर एक रूप पकड़ ले मैं तुम्हारे बीच आके इसका और गहरा विज्ञान समझाता जाऊंगे किस तरह से गिराना है किस तरह से गिराने की प्रक्रिया है वो किस तरह से वैज्ञानिक रूप से करनी है इसको ठीक से करना है ऐसे वैसे नहीं करना है और जब तक तुम्हें समझ ना आए कोई भी प्रक्रिया में समझो कि तुम्हारी पूरी समझ नहीं है अभी तुम्हें ऐसे वैसे नहीं उतरना है पूरा समझ लेना है क्योंकि मैं तुम्हें ये जो कला है मैं आध्यात्म के साथ जोड़ रहा हूं शरीर नहीं शरीर से ऊपर उठने की कला में तुम्हें समझा रहा हूं तो कोई भी प्रक्रिया हो उसका विज्ञान ठीक से समझ लेना है किस तरह से प्रक्रिया करनी है आसन है तो आसन किस तरह से करना है कब करना है किस समय में करना है किस लिए करना है इसी तरह से गिरने की प्रक्रिया है तो किस तरह से करनी है और उसके लिए जो जरूरी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज में आता है एक तो पुलअप्स पुलअप्स नहीं तो खाली आप बार पर शरीर को लटकाओ जिसमें आप अपना मत्था जो सर है ऊपर कर दो पीछे के पैर है पीछे की ओर ले जाओ और इस तरह से शरीर को लटकाओ और बैक बेंडिंग है जितना बैक बेंडिंग समझते जाओ जो यहां बहुत से लोग परिचित हो रहे बैक बेंडिंग उसके पास से समझते जाओ चक्की है चक्का है उज्जवल है ये सब जानते हैं बेक बेंडिंग क्या है है बबलू तो उसके पास से समझते जाओ कि बेंडिंग किस तरह से किया जाता है और धीरे धीरे उससे परिचित हो जाओ गिराने की प्रक्रिया में जिसे रस है कि चलो हम भी उस प्रक्रिया में उतरे तो उसे साथ साथ ये एक्सरसाइज भी समझ लेनी है और जितने तुम्हारी रीड है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जितनी बढ़ती जाएगी तुम्हारा कंट्रोल आता जाएगा गिरने की प्रक्रिया पर भी कंट्रोल आता जाएगा गिरने की प्रक्रिया का कंट्रोलिंग पार्ट है रीड तुम्हारी रीड जितनी मजबूत चारों ओर से उसके मसल्स जितने मजबूत वो अपने आप संभाल लेती है गिरने की प्रक्रिया और जो गिरने का शौक है वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है अलग अलग मसल्स में तो पूरा शरीर प्रज्वलित करने का अर्थ इतना ही है कि तुम्हारे जितने फाइबर भीतर के सूक्ष्म फाइबर मजबूत होते जाएंगे सूक्ष्म फाइबर खाली बाहर का दिखावा नहीं है मैं तुम्हें जो कला दिखा रहा हूं बाहर के मसल्स किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं भीतर के सूक्ष्म मसल्स तैयार करने भीतर भीतर के भी के सूक्ष्म मसल्स किस तरह से तैयार किए जा सकते उसका मैं व्यायाम तुम्हें दिखा रहा हूं तो जो शौक आता है बाहर से शौक आता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तुम्हें अगर तुम गिरते और फ्रैक्चर होता है उसका कारण है कि जो तुम्हें शौक लगता है वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा शरीर में तो वो जब एब्जॉर्ब नहीं होता है तो कोई एक स्थान पर शौक जमा हो जाता है और इसके कारण हड्डी टूट जाती है लेकिन अगर तुम्हारा शौक भीतर पूरी शरीर में फैल जाता है पूरे मसल संभाल लेते हैं तो हड्डी पर जाता ही नहीं शौक मसल्स ही संभाल लेते और हम ऐसा जिए कि हड्डी का टूटने का समय आए उससे पहले हम शरीर को पारी कर जाए कि हड्डी टूटे तो भी ठीक ना टूटे तो भी ठीक हमें कोई फरियाद न ओ, शान्ति ही, शान्ति ही, शान्ति ही। हम सब सदा हमारे भीतर परम शांति का अनुभव करते रहे हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे इस भावना के साथ इस प्रार्थना के साथ मुझसे जो बोला आपसे जिसे सुना उस परम दृष्टा स्वरूप परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं मेरा वंदन स्वीकार करें अस्तु